मॉर्निंग, मैं पवन भट्ट आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल लाइफ ब्यूटीफुल में। आज हम जा रहे हैं कंता बीच और मेरे साथ है मिस्टर सुहेल पावने जो मुंबई से हैं और एक और साथी हमारे साथ है नूर आलम। नूर, ये स्मार्ट सिटी से हूँ मैं, स्मार्ट सिटी यूपी से, इंडिया। तो आज हम जा रहे हैं कंता बीच। दोस्तों, लास्ट टाइम हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको कंता बीच घुमाएंगे, तो लास्ट टाइम इसी पॉइंट पे हम जो अभी हम यहाँ खड़े हैं इसी पॉइंट पे हम थे, तो यहाँ से हम आगे जा रहे हैं।
तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर कंताब बीच में। आप देख सकते हैं सामने कितना सुंदर सा ये दृश्य है इस वक्त। आप सूरज भी चढ़ा हुआ है, हवा भी चल रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है हमको। ये सामने मेरे दोस्त सुहेल पावने और नूर आलम और ये देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नूर आलम अपनी फोटोग्राफी कर रहे हैं। और सामने कितना सुंदर सा समंदर है, क्या मज़ा आ रहा है भाई साहब, क्या बात है। अगर मैं आपको लेफ्ट साइड दिखाऊं तो ये इस तरह का कुछ नज़ारा है, आया है ये देखिए। इसके ये है कंताब, मस्कट का कंताब बीच। और इसके यहाँ पर सराउंडिंग में कुछ बिल्डिंग्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये बिल्डिंग्स, मौसम काफ़ी अच्छा है, हवा चल रही है। हालांकि कल यहाँ मस्कट में बारिश हुई है, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर कुछ मछुआरे हैं, थोड़े टाइम के बाद हम इनसे बोट वालों से बात करेंगे और कहेंगे अगर आप ये हमको अंदर लेके जाएं समंदर के अंदर। और सामने ये बच्चे काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं इसको। मैं भी काफ़ी एंजॉय कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं मेरे आगे समंदर है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये बच्चों से बात करते हैं थोड़ा बहुत, अगर ये यहाँ पर नहा रहे हैं, तो एंजॉय कर रहे हैं। इन्होंने कुछ जुगाड़ सा बना रखा है बोर्ड जैसा, और देखिए हाँ हाँ यहाँ तक पानी आ रहा है।
तो मेरी तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ पर, देखते हैं कि समंदर में अगर कोई लेके जाएगा कोई बोट वाला, बोट वालों से हम बात करते हैं अभी, तो हम वही जा रहे हैं। तो अगर कोई बोट वाला मिलता है हमको इस समंदर में थोड़ा सा अगर कोई सैर करवाएगा तो पूछते हैं, बात करते हैं। सामने कुछ बोट वाले दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं सामने, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। सामने कुछ बोट्स हैं, अगर कोई मिलेगा बोट वाला अगर हमको लेके जा सकता है कोई समंदर के अंदर, कोई तैयार होगा तो देख सकते हैं। हालांकि अभी समंदर में काफ़ी जो है टाइड्स हैं, आप देख रहे हैं कि टाइड्स उठ रही हैं समंदर की, यहाँ तक पानी आ रहा है, ठंडा ठंडा पानी लग रहा है मेरे पाँव में, और काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, मैं काफ़ी तो एंजॉय कर रहा हूँ। वेदर भी काफ़ी अच्छा है, उतनी गर्मी नहीं है, सूरज हालांकि चढ़ा हुआ है, आप देख सकते हैं सूरज मेरे सर के ऊपर से लगभग है, और टाइम इस वक्त लगभग 10 बज चुके होंगे, और हम देख रहे हैं कोई अगर हमको बोट वाला मछुआरा कोई लेके जा सकता है। लेट्स सी, वो जो दूसरे हैं मेरे वो अभी वीडियो बनाने में ही लगे हुए हैं एक दूसरे की, दोस्तों इनसे बात करते हैं, ये अभी आ रहे हैं, देखते हैं क्या कहते हैं ये। क्या कह रहा है? नूर बात कर यार, हिंदी हिंदी मालूम? शंग्रीला होटल, शंग्रीला होटल, हाउ मच रियल? 20 ज्यादा, पाँच रियल नहीं ज्यादा, थोड़ी ये स्लाइड हुई है आगे। तो दोस्तों इसी बोट पे हम जा रहे हैं आगे, ये देखो ये क्या कहते हैं जो हमारा ये कैप्टन होता है इसका, ये धक्का मार रहे हैं, और हमारा सोहेल भी इसको धक्का मार रहे हैं इस बोट को, और इसी बोट पे हम जाने वाले हैं समंदर की सैर करने वाले हैं। तो ये नीचे जो आप देख रहे हैं ये सोहेल काफ़ी एंजॉय कर रहा है, और इन्होंने कुछ फट्टे लगा रखे हैं नीचे, आप देख सकते हैं वो फट्टे लगा रहे हैं, इसी में स्लाइड करेंगे ये बोट को, और इसी बोट को आगे आगे लेके जाएंगे, पूरा समंदर में लेके जाएंगे ऐसे करके, ये देख सकते हैं ये फट्टा लेके आ रहे हैं, ये फटा लेके आ रहे हैं, और इसको स्लाइड करेंगे, देखिए ये कैसे डाल रहा है यहाँ बंदा, इसलिए स्लाइड करेंगे इस पूरी नाव को, और पुश करके पूरे समंदर में लेके जाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये काफ़ी आगे तक आ गई है नाव, समंदर के बिल्कुल पास में आ चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये अब थोड़ा सा ही रह गया है इनका ये प्लैंक बिछाने का काम, तो मुझे लगता है इसके बाद ये ज़्यादा ही जाएगी समंदर के पास, ज़्यादा साइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप देख सकते हैं पूरा ये देखो पूरा समंदर में आ चुकी है, ये लगभग यहाँ पर पानी आ चुका है, तो थोड़े टाइम के बाद ये समंदर में होगी ये बोट, और इसके बाद हम इससे राइड करने के तैयार हैं, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर ये प्लैंक लगाने का काम अब ख़त्म हो चुका है, और इसके बाद ये बोट जाएगी डायरेक्ट समंदर के बीच में, और इसके बाद हम इसका राइड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कितना नज़दीक आ चुकी है, क्या प्रोसीजर होता है जब ये शोर पे होती है बोट और जब इसको समंदर में लेके जाते हैं, यहाँ पर जनरेटर स्टार्ट किया है इन लोगों ने, ये जो हमारा कैप्टन साहब है हमारे इस बोट के वो टेस्टिंग कर रहे हैं इसकी, ये चेक कर रहे हैं कि इसका मोटर कैसा है, तो टेस्ट करने के बाद ही ये समंदर में जाएगी आगे।